नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। कहा जाता है कि समय चलायमान है और ये हमेशा चलता रहता है, और ठीक इसी तरह लक्ष्मी भी चंचल है और एक दूसरे के पास आती जाती रहती है। कौन जानता था कि जिस तेल पर सऊदी अरब घमंड करता था कि हमारे पास पैसा है और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आज का दिन है कि तेल का घमंड करने वालों का ही तेल निकल गया। किसे पता था, लेकिन ये बात 100% सच है कि जो लोग तेल पर घमंड करते थे उनका घमंड चूर चूर हो गया है और वो अब पैसा कमाने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं और खोज लिए हैं। जैसे यूएई, उसने बहुत पहले ही इस्लामिक कानून का लबादा काफी हद तक उतार दिया और दुनिया को अपने यहाँ फलने फूलने का मौका दिया और दुनिया के साथ कदम ताल मिलाकर चलने लगा। आज की तारीख में यूएई का कोई जवाब नहीं और सभी इस्लामिक देश यूएई को अपना रोल मॉडल मानने लगे हैं, और यही कारण है कि वो भी अब अपने अपने देशों में बदलाव कर रहे हैं और पैसा कमाने की होड़ में आ गए हैं। ठीक इसी तरह यूएई को अपना रोल मॉडल बनाते हुए युवा क्राउन प्रिंस सऊदी अरब सलमान ने भी तेल को छोड़ दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने की बात सोची है। इसलिए सऊदी अरब ने एक ऐसा शहर बसाने का फैसला लिया है जहां पर इस्लामिक कानून नहीं होगा और वहां पर वहां के हिसाब से नए कानून के तहत लोग रहेंगे और सऊदी अरब के शहर में इस्लामिक कानून लागू नहीं होगा। जी हां, सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का शहर बना रहा है। इसकी शुरुआत सऊदी क्राउन प्रिंस ने की है, जिनका विजन सऊदी 2030 के अंतर्गत किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ लाल सागर के नजदीक बन रहे स्पोर्ट्स सिटी में इस्लामिक कानून लागू नहीं होगा। इस सिटी के बनने के बाद यहाँ पर पश्चिमी देशों के कायदे कानून लागू होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आने वाले लोगों, प्रशंसकों, महिलाओं, काम करने वाले अधिकारी, मजदूर और वो सभी लोग जो यहाँ रहेंगे या आएंगे, उनको शराब पीने की इजाजत होगी और इसके साथ ही साथ पश्चिमी देशों की तरह आजादी से घूम सकेंगे और उन पर इस्लामिक कानून के पालन का कोई दबाव नहीं होगा। सऊदी अरब द्वारा जो खेल शहर बसाया जा रहा है उसका नाम नियोम रखा गया है। इस खेल शहर का पहला चरण 2025 में पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2018 में हुई थी। रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी क्राउन प्रिंस ने सऊदी में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव का खेल शुरू किया है। इसके साथ ही साथ पैसा जुटाने के लिए खेलों से संबंधित और आयोजनों का प्रोग्राम रखा गया है। इसी रणनीति के तहत विश्व हैवीवेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इसी के तहत सऊदी अरब के इस खेल भूमिका की आलोचना भी हो रही है। मानवता के बचाव के लिए काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बयान जारी कर सऊदी अरब और क्राउन प्रिंस की कड़े शब्दों में निंदा की है। वहीं इस आलोचना के बाद सऊदी अरब ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि भले ही उनके विश्व में आलोचना हो रही हो, लेकिन खेलों से मिलने वाली रॉयल्टी की दरों में कोई कमी नहीं की जाएगी। हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। हमने पर्यटन के जरिए 10-20% पैसा कमाने का लक्ष्य रखा हुआ है। यहाँ पर एक बात आपको बताते चले कि सऊदी अरब ने 2030 विजन के लिए 8 देशों को रणनीतिक दोस्त चुना है। इन देशों में भारत भी शामिल है। सऊदी अरब के खेल मंत्री का कहना है कि हम अपने रणनीतिक सहयोगियों के साथ बातचीत करेंगे और खेलों को और आगे लेकर जाएंगे और हम अपनी सारी बातें अपने दोस्तों को ही शेयर करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है और सऊदी क्राउन प्रिंस का सपना साकार होता है या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा।